उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपीश के बीच पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर सपा की साइकिल पर सवार हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तमाम विधायक और पूर्व विधायक ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। स्वामी के आने से भले ही सूबे की कई सीटों पर सपा को सियासी फायदे की उम्मीद देख रही हो, पर कई सीटों पर सियासी समीकरण बिगड़े हुए हैं। सपा के कई मौजूदा विधायकों की सीटों पर संकट गहरा गया है, तो कई सीटों पर चुनाव लड़ने की आस लगाए नेताओं को अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने से सीधे तौर पर पार्टी के दो मौजूदा विधायकों के लिए सबसे ज्यादा चिंता बढ़ गई है। इसमें पहली सीट रायबरेली जिले की उच्चाहार से है, जहां से सपा के दोबार के विधायक मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे उच्चाहार सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन इसी सीट से स्वामी प्रसाद के बेटे उत्कर्ष मौर्य अशोक भी दावेदार हैं। स्वामी के सियासी कद को देखते हुए मनोज पांडे के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं कि उच्चाहार सीट से सपा उत्कर्ष मौर्य को कैंडिडेट न बना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।